वेलकम होम क्यूटी। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले अपने बालों को अरेंज करेंगे। इतने ज़्यादा वॉल्यूम वाले बालों को कैसे मैनेज करें? पहले इनको मैनेज करते हैं, फिर घर को मैनेज करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं कि अपनी आप को मैनेज करें, देन हम घर को मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे बहुत बड़ा पाइल अप था, वहाँ पे था और यहाँ पे भी। सो सारा क्लियर हो चुका है फाइनली, एंड पूरी तरह थक गई मैं नो ऑर्गेनाइज कर कर की, बट या वी आर डन। सम डेज आई फील गुड, सम डेज आई फील बैड। सो टुडे इज द डे आई फील बैड। ओके, सो एक गल दस दिया गाइस, सो ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग हो गई है, एंड तीनों है ना। क्या ओके, सो बहुत सारे दोस्त भूल चुके हैं कि मैंने कौन सी क्लीनर बोला था। ये बार कीपर्स दोस्त है, ऐसा स्क्रीन शॉट ला लें। सो इसके साथ आप क्लीन कर सकते हैं, छोटा डब्बा भी है। I was playing soccer, Mama, and I was at the finale, and I almost won, but then I slipped. Ki katna vat varti. So you see, I was playing, I was juking everybody, but then I slipped. Dikha kapde. Gilla, okay. Mud da nahi hai? No mud. Okay. Tu daddy de jaan to pehla friend bana lete hi. Bahu light on karo. Yes. Before daddy came. Okay, so sorry bolenga. Always arms like, don't. Can't find sorry bol. Sorry, why do we have to say sorry like this? कपड़े क्यों गिल्ले की थी? Because I was playing soccer. तू ही भी sorry बोलो. Sorry बोलो दोनों जाने कान फाड़ के. तू ही भी कान. Would I? Do it quickly. Sorry, mom. Sorry, mom. अपने फाड़ो अपने अपने.
sorry. Good job. चल कपड़े ला दे. No, these are 2 minutes. सो खिचड़ी हम लोगों ने खा ली है. वैसे तो खिचड़ी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर वो टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनी थी, उसके साथ उन्होंने खुश होकर खा लिया. और अब उन्होंने कहा है कि हफ्ते में 3 बार खिचड़ी बनाया करो. पतासा, आपको पतासे खाने पसंद है? मुझे बहुत अच्छे लगते थे बचपन में पतासे. फालतू, और हमेशा नहीं खाती मैं. अभी मेरे सामने पड़े थे, एक खा लिया मैंने. डिजास्टर को क्लीन करते हैं.
खिचड़ी की शक्ल दिखाना मुझे आपको याद नहीं रहा क्योंकि मेरे फ्रेंड का कॉल आ गई थी एंड बहुत देर उनसे बातचीत की मैंने, क्योंकि हेयर देयर उनका पर्सनल ज्योतिष बन चुकी हूँ मैं और मुझे उनको हेल्प करना पड़ता है कई चीज़ों में। मुझे ब्रश ही कर ला, बंद कर दे, सड़ा स्लीप टाइम हो। पहला करिए एक कम आई नो बेंच छोड़ दे, दी छोड़ दे बाद चो। सो हिम्मत के लंच के लिए थोड़ा सा फ्रेश पास्ता बनाया है मैंने। पिछली बार आपको बताया था मैंने कि अगर आपको अपने बर्तनों को चमकाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ों को भी। इसको बोलते हैं बार कीपर्स फ्रेंड, ये आपको कनेडियन टायर से मिल जाएगा एंड वॉलमार्ट में नहीं देखा मैंने इसको, आपको अमेजोन से भी मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा काम करता है, चीज़ें चमका देता है, इवन ग्लास के बर्तन भी। और कई बार डिशवॉशर में बार बार यूज़ करने से चम्मच में अलग से एक कोटिंग हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए भी ये बेस्ट है। पर आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ ये हमारी वाइट चमकदार शेल्फ को चमकाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बर्तन रखते हैं। तो थोड़े समय के बाद ये थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है, लाइक थोड़ा सा ब्राउनिश, तो उसको इससे मैं चमका लेती हूँ एंड बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो इसको हम खोलेंगे और इसमें ऐसे होता है, बंद करेंगे एंड स्टोर कर लेंगे फ्यूचर के लिए। इसकी मदद से यहाँ को मैं चमकाऊँगी थोड़ा ज़ोर के साथ। ऑलरेडी चमक चुका है, वैसे वो नेकेड आइज के साथ दिखता नहीं है पर वर्गो आइज के साथ दिखता है। ग्लास के बर्तन भी चमक जाते हैं। मैं सोच रही थी कि कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं ताकि मैं अपने मेकअप रूम को ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। आज मेरा मन था कि बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है मुझे, कपड़े ऑर्गेनाइज़ किए और कुछ ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ। सो कई बार आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें टिक नहीं होती हैं, बट इट्स ओके, लेट इट गो, कल करेंगे, क्योंकि आज वैसे भी बहुत अच्छा प्रोडक्टिव फुलफिलिंग डे था। सो आई एम हैप्पी विद दैट, राइट हिम्मत? सो लेट्स गो नाउ। सो हम रिमूव कर देंगे हमारा बहुत ही प्यारा अगली एप्रन, बिकॉज हिम्मत कहता है कि ये बहुत अगली है। इज इट ट्रू मीमी? ओके बाय मीमी, लेट्स गो रन अपस्टेयर।